Hello students and welcome in today's class. And in today's class we are going to do next topic of our ongoing chapter for class 8th history. And name of chapter is, according to NCERT, is the making of the national movement 1870s to 1947. तो देखो, last class हमने यहाँ ये देख लिया था कि जो आपकी कांग्रेस पार्टी थी, यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो वो कैसे फॉर्म हुआ, उसको किसने फॉर्म किया, और 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस की क्या हालत रही थी वो भी मैंने देखा था, और कांग्रेस और ब्रिटिश के बीच में कैसे रिलेशन थे और रिलेशन कैसे खराब हुआ वो भी मैंने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना, लिंक ऑफ ऑल वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आर इन डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक इसी चैप्टर का, जो कि है पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जो कांग्रेस पार्टी थी उसका 1885 से 1905 तक का जो एक टाइम पीरियड था, एक मॉडरेट टाइम पीरियड था, मतलब उसमें उसने कुछ ज्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि हम ये देखेंगे 1905 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो कांग्रेस एग्रेशन मोड में आ गई। तो ये टॉपिक वही है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल के टुकड़े करने की कोशिश की तो उसके बाद जो कांग्रेस था वो एग्रेशन मोड में आ गया था। उसके बाद से कांग्रेस की पूरी जो स्थिति थी वो चेंज हो गई और उनकी जो एटीट्यूड था वो चेंज हो गया टूवर्ड्स द ब्रिटिशर। उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भाई पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो कैसे हुआ, और सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के टाइम में जो स्टेट है वो उस टाइम पे कौन कौन से बंगाल के पार्ट हुआ करते थे। तो जैसे टॉपिक के नाम से आपको पता चल रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो बंगाल था वो कैसे पार्ट में डिवाइड हुआ था। पहले उससे पहले हम ये समझते हैं कि बंगाल के पार्ट में उस टाइम पे कौन कौन से अदर स्टेट आया करते थे। तो आज के टाइम पे हम जो बिहार, उड़ीसा, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, झारखंड और अलग से जो एक कंट्री देखते हैं बांग्लादेश, ये सारे पार्ट्स और कंट्री मिलके ही पूरा एक पार्ट बनाते थे ब्रिटिश के टाइम पे, जिसका नाम बंगाल था। ये आपको ध्यान रखना, मतलब आज का जो सिर्फ वेस्ट और ईस्ट बंगाल है वही नहीं थे, बल्कि ईस्ट वेस्ट बंगाल के अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स थे, जैसे उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, आसाम, ये सब मिलके ही ब्रिटिश के टाइम पे 1905 में बंगाल बनाया करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे बंगाल के टुकड़े कैसे कैसे होते गए और कैसे कैसे अलग पार्ट में बंटते गए उसको हम समझेंगे। देखो यहाँ पे क्या कहता है, बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया। कहने का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि जब ब्रिटिश का टाइम था तो ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस थे, तो उन प्रोविंसेस मतलब क्षेत्र या फिर स्टेट कह लो आप, तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस थे ड्यूरिंग द कॉलोनिज्म ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा स्टेट था, जो सबसे बड़ा प्रोविंसेस था ब्रिटिश इंडिया के अंदर, वो बंगाल था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आज के टाइम पे जो अलग अलग स्टेट देखते हैं वो सब स्टेट मिलकर ही उस टाइम पे क्या बनाते थे, बंगाल बनाते थे। तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे बंगाल कितना बड़ा था। तो इसी वजह से जो बंगाल था वो एक बहुत ही बड़ा पार्ट था ब्रिटिश प्रोविंसेस के लिए। और उसके लिए क्या कहता है, इट हैड पार्ट्स ऑफ बिहार एंड उड़ीसा विद पॉपुलेशन ओवर 78 मिलियन। और आज के टाइम पे जो हम बिहार देखते हैं, उड़ीसा देखते हैं, ईस्ट बंगाल देखते हैं, वेस्ट बंगाल देखते हैं और भी बहुत सारे स्टेट देखते हैं, वो सब मिलकर ही उस टाइम पे बंगाल बनाया करते थे। उड़ीसा, जिसको आप आज उड़ीसा कहते हो, और उस टाइम पे जो पूरे बंगाल की पॉपुलेशन थी वो 78 मिलियन पॉपुलेशन थी। ये आपको ध्यान रखना है, 78 मिलियन का यहाँ पर मतलब है 7,80,00,000 की पॉपुलेशन पूरे बंगाल के अंदर उस टाइम पे थी। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि देखो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जो बंगाल का पार्टीशन है वो क्यों किया गया। तो देखो, जैसे यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बंगाल का जो प्रोविंसेस था उस टाइम पे बहुत बड़ा प्रोविंसेस था और पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी, तो इसलिए ब्रिटिशरों के लिए ना बंगाल के ऊपर राज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन एंड लार्ज एरिया। इसके अलावा 2-3 रीजन और भी थे बंगाल के पार्टीशन करने के, जिसमें से दूसरा सबसे बड़ा रीजन था डिवाइड एंड रूल। आपको पता है कि जो ब्रिटिशर थे उनका सबसे बड़ा जो पॉलिसी था इंडिया के ऊपर कब्जा करने का, वो डिवाइड एंड रूल था, मतलब फूट डालो शासन करो, कि जो इंडियंस है उन इंडियंस को आपस में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे लड़वा दो और वो आपस में लड़ेंगे और इससे हमारा शासन चलता रहेगा। तो वही चीज इन्होंने किया था। तो डिवाइड एंड रूल के ही तहत उन्होंने बंगाल के अलग अलग टुकड़े करने के ठाने। उन्होंने बंगाल के लोगों को ये बोल दिया कि हिंदू और मुस्लिम को अलग हो जाना चाहिए अगर मुस्लिम को अपनी एक सेफ फ्यूचर चाहिए तो इस वजह से बंगाल के टुकड़े करने का डिसीजन लिया गया और इसीलिए बंगाल का पार्टीशन करने का डिसाइड किया गया 1905 में। इन 1905 लॉर्ड कर्जन, अगर याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में 1878 के समवेयर मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे जो हमारे इंडिया के वाइस राय थे ब्रिटिशर की तरफ से वो लिटन, तो उस टाइम पे लॉर्ड लिटन थे। लेकिन जब 1905 के अंदर बंगाल का पार्टीशन किया जा रहा था तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो वाइस राय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। तो लॉर्ड कर्जन बेसिकली क्या थे, लॉर्ड कर्जन ने डिसाइड किया था कि वो बंगाल का पार्टीशन करेंगे एंड डिवाइड एंड रूल को अपनाएंगे। तो 1905 लॉर्ड कर्जन पार्टीशन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल इनटू टू पार्ट्स, वन इज ईस्ट पार्ट ईस्ट बंगाल एंड सेकंड इज वेस्ट बंगाल। मतलब उस टाइम पे जो बंगाल का पूरा पार्ट था 1905 में, उस टाइम पे लॉर्ड
कजन ने डिसाइड किया कि वो पूरे बंगाल के दो पार्ट कर देंगे, जिसमें से एक पार्ट का नाम रहेगा ईस्ट बंगाल और एक पार्ट का नाम रहेगा वेस्ट बंगाल। तो ये उन्होंने जारी किया। अब हम ये देखते हैं कि भाई जब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई बंगाल के दो टुकड़े किए जाए ताकि उनके लिए शासन करना और आसान हो जाए और लोग आपस में लड़े और उनका शासन बढ़ जाए, तो क्या ऐसा हो पाता है या नहीं हो पाता वो हम देखते हैं। तो क्या कहता है, बट एंटी पार्टीशन मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाई द नेशनल लीडर एट कलकत्ता इन अगस्त 1905। लेकिन जब कोलकाता के लोगों को पता चला ना कि उनके उनके स्टेट का दो अलग अलग डिवाइड किया जा रहा है, उनके स्टेट को दो अलग अलग पार्टों में बांटा जा रहा है, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसके रिस्पॉन्स उन्होंने एंटी पार्टीशन, एंटी पार्टीशन मतलब कि उनको ये पार्टीशन नहीं चाहिए था, तो वो एंटी पार्टीशन हो गया। तो उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट किया जिस मूवमेंट के अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बंगाल के दो टुकड़े होने नहीं देंगे। और ये पार्टीशन कब स्टार्ट किया गया, ये पार्टीशन अगस्त 1905 में स्टार्ट किया था कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता जिसे आज आप कोलकाता कहते हो, जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल बन चुकी है। ऑल्सो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट वर adopted to put pressure on government। आपको जैसे पता है कि बंगाल के दो अलग अलग टुकड़े हो रहे थे, तो बंगाल के दो अलग अलग टुकड़े होने के रिस्पॉन्स में जो उस टाइम के जो बंगाल के लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि बंगाल के अलग अलग टुकड़े हो, तो इसलिए उनके रिस्पॉन्स में उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जिसका नाम था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। फिर देखो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो इंडिया के अंदर सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वो 1905 में ही किया गया था। किस लिए किया गया था, बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ये समझते हैं कि जो स्वदेशी मूवमेंट है और जो बॉयकॉट मूवमेंट है इस मूवमेंट में था क्या, इसमें होता क्या है, इसको किसने किया था और क्या जो बंगाल के पार्टीशन के अगेंस्ट में जो ये मूवमेंट स्टार्ट किए गए तो क्या ये सक्सेसफुल हुए वो हम देखते हैं। तो क्या कहते हैं, तो अब हम समझते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के बारे में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना यही है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को ही। तो द टर्म स्वदेशी मींस इंडिजीनियस और मेड इन ऑन कंट्री। देखो स्वदेशी वर्ड जो है दो वर्ड से बना है, स्वय और देशी। स्वय मतलब स्वयं खुद का और देशी मतलब देश का, मतलब खुद के देश की बनी हुई चीज, जिसे आज के टाइम पर मेड इन इंडिया कहते हैं। तो आज के टाइम में जो हम मेड इन इंडिया कहते हैं वही स्वदेशी मूवमेंट है। तो द टर्म स्वदेशी मींस इंडिजीनियस और मेड इन ऑन कंट्री। स्वदेशी का मतलब यह है कि कुछ ऐसी चीजों का यूज करना जो अपनी ही कंट्री की बनी हुई है, अपनी ही कंट्री के लोगों ने बनाया है। उसके बाद द मेन आइडिया बिहाइंड द मूवमेंट वाज टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। देखो हालांकि ये जो स्वदेशी और जो बॉयकॉट मूवमेंट था वो इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि हम ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो उन्होंने रूल निकाला था बंगाल को अलग पार्टीशन करने का, उसके खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन बाद में ये जो मूवमेंट थे ये काफी फेमस हुआ और ये मूवमेंट देखते देखते सिर्फ बंगाल तक ही नहीं बल्कि पूरे कंट्री तक फैल गया और लोगों को काफी पसंद आया ताकि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो सके। और इस मूवमेंट को स्टार्ट करने का दो तीन मेन मोटिव था। पहला मेन मोटिव तो ये था कि भाई हमें मूवमेंट स्टार्ट करें ताकि ब्रिटिशर जो हैं जो उन्होंने बंगाल के दो अलग अलग टुकड़े करने का डिसाइड किया है उसको वो रोक दें। और दूसरा जो रीजन था वो रीजन ये था कि ग्रोथ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कि भाई अगर हम स्वदेशी मूवमेंट अपनाएंगे तो स्वदेशी मूवमेंट अपनाने से हम अपने देश के अपने लोगों के बीच बनाए हुए सामान का इस्तेमाल करेंगे तो उनसे अपने ही कंट्री का जो इंडस्ट्री होगा, अपने ही कंट्री का जो इकोनॉमिक होगा वो इंक्रीज होगा, पहला रीजन। और दूसरा ये था बॉयकॉट मूवमेंट। बॉयकॉट मूवमेंट स्वदेशी का मतलब तो हो गया कि भाई अपने कंट्री के अंदर बनाई हुई चीजों को यूज करना, वो हो गया स्वदेशी मूवमेंट। और बॉयकॉट मूवमेंट का मतलब बेसिकली यहाँ पे मतलब ये हो गया कि हम ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए जो चीजें हैं उनको बॉयकॉट करें, उनका यूज ना करें। और स्वदेशी का मतलब अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए चीजों का हम यूज करें, उनको खरीदें, उनका इस्तेमाल करें ताकि हमारे इंडिया की इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। आया कहते हैं द मूवमेंट लीड टू द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश मेड गुड्स इंपोर्टेड टू द इंडियन मार्केट। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश मेड गुड्स इंपोर्टेड टू द इंडियन मार्केट। यहाँ पे ये बताया गया है कि इस मूवमेंट का पहला फेज तो ये था कि भाई हम इंडिया के द्वारा, इंडिया इंडियंस पीपल के द्वारा बनाए गए चीज़ों को इस्तेमाल करें। और दूसरा फेज ये था बॉयकॉट, कि भाई ब्रिटिश जो सामान ब्रिटिशों बना के इंडिया के अंदर बेचते हैं उनका हम बॉयकॉट कर सकें ताकि ब्रिटिश की जो इकोनॉमी है वो क्रैश हो जाए, वो नीचे डाउन हो जाए। इसीलिए तो नाउ इफ ब्रिटिश वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट दे मस्ट ग्रांट पॉलिटिकल कंसेशन टू इंडियंस। अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि देखो जब ब्रिटिशर ने डिसाइड किया कि हम फूट डालो शासन करो, यानी कि रूल एंड डिवाइड के तहत बंगाल के दो पार्ट करेंगे ताकि बंगाल के लोग आपस में लड़ जाए और ब्रिटिशर के लिए रूल करना आसान हो जाए, तो उसके रिस्पांस में इंडियंस ने क्या किया कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसके तहत वो क्या करेंगे, इंडिया के द्वारा बनाए गए गुड्स का इस्तेमाल करेंगे और ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए गुड्स का बहिष्कार करेंगे, उसका बॉयकॉट करेंगे। जिसके बाद क्या हुआ कि इंडियंस ने ये देखा कि अगर हम ब्रिटिश के गुड्स को बॉयकॉट करते तो ब्रिटिश का जो इकोनॉमी होगा वो क्रैश हो जाएगा, उनकी इकोनॉमी गिरने लग जाएगी और इकोनॉमी गिरने लग जाएगी तो वो जरूर इंडियंस के पास आएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडियंस के उनसे कहेंगे कि वो हमें पॉलिटिकल कंसेशन दें, मतलब जो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल मूवमेंट होता है उस पॉलिटिकल मूवमेंट पे पूरी तरह से ब्रिटिशर का कब्जा हो चुका था, तो अगर ब्रिटिशर ये चाहते हैं कि हम उनके सामान को इस्तेमाल करें, उनके इकोनॉमी को बचाएं, तो उन्हें इंडियंस को पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन करने का मौका देना होगा, तब जाके क्या होगा कि दोनों का फायदा हो जाएगा। आया कहता है
कांग्रेस ऑल्सो एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट ड्यूरिंग बनारस सेशन 1905 एंड कलकत्ता सेशन 1906। यहाँ पे बताया गया है कि जो कांग्रेस के उस टाइम पे जो लीडर थे उन लीडर ने भी ये डिसाइड किया कि वो इस बायकॉट मूवमेंट में हिस्सा लेंगे। ठीक है, इनफैक्ट जो बायकॉट मूवमेंट था वो कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, जैसे दादा भाई लोहिया जी हो गए या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, ये सारे लोग। ठीक है, तो बनारस सेशन 1905 मैंने आपको बताया था कि जो जब जब कांग्रेस बना था तो कांग्रेस बनने के साथ उन्होंने एक चीज डिसाइड किया था, क्या, कि कांग्रेस जो सेशन होंगे वो हर साल एक बार हुआ करेगा। तो 1905 का जो सेशन था दिसंबर के अंदर वो बनारस में हुआ था और 1906 का जो सेशन था दिसंबर के अंदर वो कोलकाता के अंदर हुआ था। तो इन दोनों ही सेशन के अंदर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो भी स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट का पार्टिसिपेशन करेगा। आफ्टर कांग्रेस गिव अप द पॉलिसी ऑफ persuading the British rules and by appeal, request and partition. और इसके बाद ब्रिटिशन ने ये डिसाइड किया कि वो अब से कोई पार्टीशन नहीं लाएंगे या फिर कोई रूल या कोई रेगुलेशन नहीं लेके आएंगे कि भाई हम क्या करें, हम ब्रिटिशर्स जाके कुछ मांगे, नहीं, अब वो सीधा क्या करेंगे, मूवमेंट चलाएंगे। और ब्रिटिशर से हर बार जब भी मूवमेंट होगा तो हर बार उनसे उनकी चीज़ों को बायकॉट करेंगे और उनसे सीधा क्या मांगेंगे, फ्रीडम मांगेंगे। मतलब जहाँ पे पहले जो कांग्रेस थे वो ब्रिटिशर को अपने इंडिया का पार्ट मान चुके थे और उनसे रूल रेगुलेशन की प्रार्थना क्या करते थे, अब वहीं पे उनका जो एग्रेशन मोड था 1905 के पार्टीशन के बाद वो आ चुका था, जिसके अंदर अब वो ना कोई रिक्वेस्ट करेंगे ना कोई अपील करेंगे, सीधा क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और जहां तक हो सके फ्रीडम के लिए भी लड़ना इन्होंने चालू कर दिया था। तो ये हमने देख लिया कि भाई 1905 का जो बंगाल का जो पार्टीशन था वो कैसे स्टार्ट हुआ। अब पार्टीशन को लेकर एक तरफ लॉर्ड कर्जन और ब्रिटिशर हैं जो बंगाल का पार्टीशन चाह रहे हैं, लेकिन एक तरफ इंडिया के कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग हैं जो स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट के द्वारा बंगाल का पार्टीशन होने से रोक रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि भाई बंगाल का पार्टीशन हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ और उसके बाद इंडियंस और ब्रिटिशर के बीच में जो एक मतभेद था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो उसके बाद क्या होता है जिससे ये चीज़ शांत की जाती है। तो उसी के रिप्लाई में जो ब्रिटिशर्स होते हैं एक नया रिफॉर्म लेके आते हैं, एक नया एक्ट लेके आते हैं इंडियंस के लिए, जिसका नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। तो इसके अंदर हम समझते हैं ये क्या है, क्यों है, इससे इंडियंस को क्या फ़ायदा हुआ और ब्रिटिशर्स को भी क्या फ़ायदा हुआ। तो क्या कहता है, द इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज पास इन 1909 पॉपुलरली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो देखो जो यहाँ पे एक्ट है जिसका नाम है द इंडियन काउंसिल एक्ट, इसको इसी का नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था जिसको 1909 के अंदर लेके आया गया था। मतलब आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि द इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर मॉर्ले मिंटो एक्ट, दोनों का मतलब सेम है एंड इस एक्ट को 1909 के अंदर इंडिया के अंदर लाया गया था। देखो जैसा मैंने आपको बताया कि 1905 के अंदर देखो बेसिकली क्या है 1899 तक, ठीक है, 1899 से लेके 1905 तक इंडिया के जो वायसराय रहे थे वो लॉर्ड कर्जन रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन रहे थे, लॉर्ड कर्जन के बाद 1905 के अंदर जो है वो आए लॉर्ड मिंटो, ये आपको ध्यान रखना है, जिनको मिंटो सेकंड भी कहा जाता है, लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो यहाँ पे जो ये मिंटो वर्ड यूज हुआ है ये इन्हीं वायसराय के लिए यूज हुआ है। तो 1899 से लेकर 1905 तक इंडिया के अंदर जो वायसराय रहे थे वो लॉर्ड कर्जन रहे थे और 1905 के अंदर जो इंडिया के अंदर वायसराय आए नेक्स्ट वो लॉर्ड मिंटो आए। और लॉर्ड कर्जन ने ही इंडिया के अंदर बंगाल का पार्टीशन के लिए एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस प्रस्ताव को लॉर्ड मिंटो कैसे हैंडल करते हैं वो हमें इसके अंदर देखना है। तो लॉर्ड मिंटो ही ये एक्ट लेके आया था जिसका नाम द इंडियन काउंसिल एक्ट या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था। तो क्योंकि लॉर्ड मिंटो ये एक्ट लेके आए थे इसलिए इस एक्ट का नाम मिंटो रिफॉर्म भी है और मॉर्ले इसलिए क्योंकि मॉर्लो मिंटो दोनों ने मिलकर इस एक्ट को बनाया था, इसलिए द इंडियन काउंसिल एक्ट का नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी है। अब इसके अंदर क्या चीजें थी वो हम देखते हैं। तो दिस एक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविजंस। तो देखो जैसा कि आपको पता है जब लॉर्ड कर्जन ने इंडिया के अंदर बंगाल के पार्टीशन का प्रस्ताव रखा तो उसके बाद इंडियंस जो थे वो काफी ज्यादा भड़क गए थे और बहुत ज्यादा मूवमेंट्स स्प्रेड होने लग गए थे इंडिया के अंदर। तो उस मूवमेंट को शांत करने के लिए ही लॉर्ड मिंटो एक ये रिफॉर्म लेके आए थे और उस रिफॉर्म के अंदर क्या क्या बातें थी वो हम देखते हैं। तो पहला जो बात इस रिफॉर्म के अंदर किया गया था वो था एन इंडियन मेंबर वॉज इंक्लूडेड वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, मतलब इसके बाद क्या गया कि जो अभी तक देखो अभी तक जो इंडिया के अंदर जितने भी वाइसराय बने थे चाहे वो स्टेट के वाइसराय हो पूरे कंट्री के वाइसराय हो वो ब्रिटिशर ही थे, लेकिन जब ये मॉर्ले मिंटो एक्ट लाया गया तो उसके अंदर ये डिसाइड किया कि भाई इंडिया के अंदर जो अब वायसराय रहेंगे वो इंडियंस वायसराय भी होंगे, जिसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था SP सिन्हा। SP सिन्हा एक पहले इंडियन मेंबर थे जिन्हें इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंक्लूड किया गया और उनका नाम सर SP सिन्हा बना। तो इंडिया के जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बन चुके थे, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब यहाँ पे ये कि इंडिया के अंदर जो वायसराय होंगे वो सिर्फ इंडियंस वो सिर्फ ब्रिटिशर ही नहीं होंगे बल्कि इंडियंस को भी मौका मिलेगा इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्टिसिपेशन बनने का। तो पहले इंडियन वायसराय कौन हुए इंडिया के, तो
तो एसपी सिन्हा हुए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेज टू 60। देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब जैसे पूरे सेंटर के ऊपर जिसका कंट्रोल रहेगा, जैसे आज के टाइम पे हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं ना, तो उसी टाइम पे पूरे इंडिया के अंदर जो उस टाइम पे जिसका राज था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उस टाइम पे 16 मेंबर हुआ करते थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर उस टाइम पे 16 मेंबर हुआ करते थे, और उस 16 के 16 कौन होते थे? ब्रिटिशर होते थे। लेकिन जब ये रिफॉर्म आया गया तो रिफॉर्म में डिसाइड किया गया कि भाई जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उसके अंदर 16 मेंबर्स नहीं बल्कि 60 मेंबर्स होंगे, और इस 60 मेंबर्स के अंदर अब इंडियंस को भी मौका मिलेगा, मतलब जो इंडियन है वो भी अब एक ब्रिटिश काउंसिल का पार्ट यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का पार्ट बन सकते हैं। और इट वॉज कंपोज ऑफ नॉमिनेटेड काउंसिल। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले यह था कि सारे के सारे ब्रिटिशर ही इस काउंसिल का पार्ट होते थे जो कि 16 के 16 थे, और उनको इंडियंस चूज नहीं करते थे बल्कि ब्रिटिश खुद ही आपस में डिसाइड कर लिया करते थे। बट अब जो 60 काउंसिल आएंगे ये नॉमिनेट होकर आएंगे, तो उनको वोट देके चूज किया जाएगा और जिसमें इंडियंस भी हो पाएंगे। उसके बाद द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड कंसिस्ट ऑफ 30-50 मेंबर्स। अब देखो जैसे पूरे कंट्री का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके मेंबर्स को 16 से करके 60 कर दिया गया, उसी तरह से पूरे प्रोविंस जो छोटे मोटे उस टाइम पे जो इंडिया के स्टेट हुआ करते थे छोटे या बड़े, से बंगाल आपका अलग स्टेट हो गया, तो उस टाइम पे जो स्टेट हुआ करते थे तो उस स्टेट को भी कंट्रोल करने के लिए जो काउंसिल हुआ करता था उसका नाम था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे उस टाइम पे पूरे इंडिया को कंट्रोल करने के लिए जो काउंसिल था उसका नाम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, उस तरह से उस टाइम पे अलग अलग स्टेट को कंट्रोल करने का जो काउंसिल था उसका नाम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था। तो उसके अंदर के भी मेंबर्स को 30-50 कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। द एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट्स। देखो ये एक चीज था जिसको हम इस पूरे रिफॉर्म का ड्रॉबैक कह सकते हैं, यानी कि कमी कह सकते हैं। ये सारी तो अच्छी चीजें थी, ठीक है, कि भाई इंडियंस को अब हर जगह चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो प्रोविंशियल काउंसिल हो, या फिर चाहे वो वाइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, सब में इंडियंस को मौका मिल रहा था ताकि इंडियंस पार्लियामेंट के अंदर जाए, पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेशन करें और इंडिया के लिए एक फायदे वाले रूल्स रेगुलेशन को बनाए। लेकिन ये जो था ये थोड़ा एक ड्रॉबैक आ गया था, जो इन ब्रिटिशर ने जो बंगाल के अंदर यूज किया था ना रूल एंड डिवाइड, वही रूल एंड डिवाइड उन्होंने सेम इसमें पार्लियामेंट रिफॉर्म के अंदर भी यूज किया। क्या था कि कॉमनल इलेक्टोरल्स, कॉमनल इलेक्टोरल का मतलब यहां पे ये है कि इसमें इन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि भाई जो भी नए मेंबर इन काउंसिल के अंदर यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर चूज किए जाएंगे वोट देके, वो हिंदू के अलग होंगे, मुस्लिम के अलग होंगे, तो उसी को कॉमनल इलेक्टोरल कहा गया। कॉमनल मतलब कम्युनिटीज के हिसाब से, जाति के हिसाब से क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लीडर को चूज किया जाएगा। तो मुस्लिम अलग लीडर चूज करेंगे और हिंदू अलग लीडर चूज करेंगे, इससे क्या हुआ हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो तनाव था, जो एक दिक्कत थी, परेशानी थी, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब ब्रिटिश लोग ढीठ है, वो अपने काम से बाज नहीं आएंगे। बंगाल के पार्टीशन में भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की, और यहाँ पे इस रिफॉर्म के अंदर भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश की, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं, देखो अभी तक हमारा जो बंगाल का जो पार्टीशन था वो अभी तक रुका नहीं है, बंगाल का पार्टीशन होना ही होना है। अब वो पार्टीशन कैसे रुकता है और उसके बाद और कौन कौन से नए मूवमेंट होते हैं जो ब्रिटिशर लेके आते हैं, और इसके में इसमें कांग्रेस का क्या रोल रहता है, वो सब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल वॉच दिस एंड शेयर दिस विद योर ऑल फ्रेंड्स।